झारखंड का गढ़वा जिला स्वास्थ्य के मामले में काफी पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन वर्तमान में यहाँ की व्यवस्थाएं काफी दुरुस्त हुई हैं। कोरोना की बात करें तो यहाँ संक्रमितों की जिंदगी महफूज होने लगी है। एक रिपोर्ट देखिए। लाखों आबादी को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने वाला यह वही सदर अस्पताल है जहां कभी साधारण मर्ज के मरीजों को भी रेफर होना पड़ता था। मरीजों को कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी। ऐसे में जब कोरोना का यह विषम हालात सामने आया तो लोगों में काफी भय व्याप्त हो गया। लेकिन इस अस्पताल को सुविधाओं से इतना परिपूर्ण कर दिया गया है जिसके लोगों को उम्मीद नहीं थी। यहां केवल पर्याप्त सिलेंडर ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन प्लांट को ही स्थापित कर दिया गया है। इस कार्य को सरजमीन पर मूर्त रूप देने वाले स्थानीय विधायक सह मंत्री मिथिलेश ठाकुर के स्वास्थ्य प्रतिनिधि कंचन साहू कहते हैं कि यहाँ के लोगों के मन का डर अब निश्चित रूप से काफूर हो गया है। अस्पताल और गढ़वा जिला प्रशासन दिन रात मरीजों की सेवा में लगी हुई है और जितनी जल्दी सरकार हमें समुचित व्यवस्था उपलब्ध करा रही है उतना ही रफ्तार से हम लोग उसको इंस्टॉल करा करके लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। और गौरवान्वित है कि माननीय मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने दिन रात मॉनिटरिंग करते हुए आज गढ़वा में सबसे ज़्यादा सुलभता से अगर इलाज हो रहा है तो मात्र गढ़वा है। और उम्मीद है कि चाहे सरकार पक्ष की हो चाहे विपक्ष की, सभी लोग मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और अपने गढ़वा को बचाने का कार्य कर रहे हैं। स्थानीय सांसद के नगर परिषद प्रतिनिधि चंदन जायसवाल ने कहा कि सांसद के प्रयास से गढ़वा सदर अस्पताल को दूसरे ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति भी मिली है जिसे बहुत जल्दी अस्पताल परिसर में स्थापित कर दिया जाएगा। सांसद के इस पहल से व्यवसायी वर्ग में काफी खुशी है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बबलू पटवा ने कहा कि अब हमारा अस्पताल बेहतर सुविधा से परिपूर्ण है जिससे हम सभी राहत की सांस ले रहे हैं। चल रही है किस रूप में देखते हैं? जिला प्रशासन और हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी बधाई के पात्र हैं। इस कोरोना काल में सभी ने मिलजुल कर गढ़वा वासियों के सुख दुख में साथ दिया है। लोग बधाई के पात्र हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि बहुत जल्द ही बड़ी वो प्लांट चालू हो जाए। कितनी आवश्यकता है अभी ऑक्सीजन? अभी तो ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता है गढ़वा में। लोग ऑक्सीजन के बगैर तड़प तड़प के अपनी जान दे रहे हैं। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो भी सरकार लगा रही है बधाई के पात्र। साधारण मरीजों के साथ साथ कोविड संक्रमितों को इलाज उपलब्ध कराने को लेकर कल तक चिंतित रहने वाला यहां का अस्पताल प्रबंधक अब लोगों को मुकम्मल इलाज करने में जुटा है क्योंकि कल तक व्यवस्था के नाम पर अपूर्ण अस्पताल आज पूरा हो गया है। कोरोना को जीतेंगे, हम लोग निरंतर सुविधा बढ़ा रहे हैं, हम लोग बेड बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं और बेड बढ़ाने के लिए नए अस्पताल भी अभी हम लोग खोलने की कवायद कर रहे हैं। एक ऑक्सीजन प्लांट अभी हम लगा है। एक ऑक्सीजन प्लांट की और स्वीकृति भारत सरकार ने दी है, जल्द ही उसकी व्यवस्था हो रही है। बैकअप के लिए हम लोग नया जनरेटर खरीदे हैं जो अभी इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया में है। दो दिनों के अंदर उसने सप्लाई कर दिया। दो एम्बुलेंस मंगाया गया है जो आज कल में डिलीवरी हो रहा है। तो हम लोग जो है संसाधन को जुटा रहे हैं और इसको बेहतर से बेहतर करना चाह रहे हैं। और यही मेरा अनुरोध है कि कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो करें और प्रशासन को सहयोग करें। एक जो कोविड का बिहेवियर एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका अनुपालन। कई दशक इंतजार के बाद ही सही बदहाल हालात में बदलाव का हो जाना बहुत अच्छी बात है। अब जरूरत है उस सुधरे हालात को यथावत बनाए रखने की ताकि जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलती रहे। नेशन न्यूज के लिए गढ़वा से आशुतोष रंजन की रिपोर्ट।